हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 अकाउंटिंग रेशियोज। मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मैम आप ये वाले चैप्टर्स बताइए, तो मैं आपको ये चैप्टर्स तो बता रही हूँ, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगी, मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि आप ये दोनों चैप्टर्स के ना थ्योरी बस अच्छे से कर लीजिए। अगर आप इनकी थ्योरी अच्छे से कर लेंगे तो आपको इनसे जो भी नंबर्स मिलते हैं, जैसे इधर से पीछे से, इस चैप्टर से लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी बदल भी जाते हैं, मतलब कभी 10 या कभी 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है कैश फ्लो, उससे आता है 15 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर आप अकाउंटिंग रेशियो में पूरी की पूरी थ्योरी, मतलब पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए, आपके नंबर पक्के। इससे पूरी की पूरी थ्योरी ही आती है। अगर न्यूमेरिकल आएगा भी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ इस अकेले चैप्टर में 63+ फॉर्मूले हैं, अभी मैं आपको बता दूंगी। आप 2 पेज 3 पेज टर्न करेंगे, आपको फॉर्मूले इसकी बाहर मिल जाएगी। इसलिए मैं आपसे मतलब बोलना चाहती हूँ कि आप इसकी थ्योरी कर लीजिए, बाकी जो लोग बहुत होशियार हैं वो अपना सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें आपको दी हुई है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए, नए बच्चों के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो होता क्या है? तो अकाउंटिंग रेशो क्या होता है, जब कोई भी दो डाटा, मतलब कोई भी दो न्यूमेरिकल, जैसे 1 और 1 या 2 और 1, ये जो दो डाटा मिलके हमें बता रहे हैं कि ये कंपनी का स्टेटस कैसा है, उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशो। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन अ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू और मोर देन टू डेटा टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन सच रेशोज आर एक्सप्रेस्ड एज अकाउंटिंग रेशो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, अगर आप एक एक बार ये इन लाइनों को पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे दिया हुआ है रेशो, रेशो भी कुछ नहीं है, जैसे कि ये दो नंबर जो मैंने आपको बताए 1-1 या 2-1, जो रेशोज में लिखा रहता है उससे अगर हमको कोई भी मीनिंग पता चलती है, जैसे अगर 2:1 लिखा है, मतलब हमारी कंपनी का स्टेटस क्या है कि हमारी जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो 2 गुना हो गया है ना। बस इसमें ये सिंपल सी चीज़ें दी हुई हैं, आप पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रेशोज आर अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ 2 इंटर रिलेटेड डेटा, एंड व्हेन दीज डेटा आर टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिलेशनशिप इज ड्रॉन, देन सच रेशोज आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग रेशो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रेशोज हैं वो कितने तरीके में होती है, मतलब ये है कि जो हम रेशो है उसको कितने फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो आपकी बुक में यहाँ पे ना 3 ही फॉर्म्स दिए हुए हैं, इन फॉर्म ऑफ सिंपल रेशो, और पीछे दिया हुआ है परसेंटेज और रेट। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे 4 तरह के फॉर्म्स पढ़ाने वाली हूँ। इसमें 3 दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, आप एक एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, आता नहीं है बट आप पढ़ लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं रेशोज में। तो रेशो, सबसे पहला रेशो होता है फॉर्म्स ऑफ रेशो, यहाँ लिख लीजिए फॉर्म्स ऑफ रेशो। तो सबसे पहला फॉर्म है सिंपल। सिंपल मीन्स जैसे एक कंपनी है, उसने 2:1 में पैसा कमाया, तो ये आ गया सिंपल, बिल्कुल कोई झंझट ही नहीं। 2:1, 1:1, 3:1, सिंपल बिल्कुल। अगर इसी को हम रेट में लिखें, तो रेट में मतलब टाइम्स, जैसे हम इसको लिख दें 2 टाइम्स, हमारा पुराना था 1 लाख, हमारा पुराना था 1 लाख, लेकिन अभी नया हो गया है 2 लाख, तो हमारा कितना हो गया 2 टाइम्स। 1 लाख का 2 करोगे तभी तो 2 लाख आएगा ना।
तो ये क्या हो गया, टू टाइम्स। अब इसी का परसेंट निकालना हो तो क्या लिखेंगे, टू अपॉन वन इंटू हंड्रेड, तो ये क्या आ जाएगा, 200%। इसको हम चार तरह से लिख सकते, तो ये क्या आ जाएगा, 200%। ये मैं पढ़ा रही हूँ फॉर्म्स ऑफ रेशियो, तो ये क्या आ गया, 200%। आई होप कि आपको ये तीनों तो अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। ये सिंपल, सिंपल वाले में कुछ नहीं होता है, सिंपली हम लिख देते हैं। रेट वाले में हम टाइम कर देते हैं, परसेंटेज वाले में हम उसका इनटू हंड्रेड कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल आता है। और फ्रैक्शन वाले में जो फ्रैक्शन आया, जैसे टू अपॉन वन आया तो टू अपॉन वन लिख देंगे, अगर वन अपॉन वन आया वन अपॉन वन लिख देंगे, थ्री अपॉन वन आया थ्री अपॉन वन लिख देंगे। बस सिंपली यही चीज़ें अपन को यहाँ पे करनी है। अब हम बताते हैं एनालिसिस, जो आपकी बुक में दिया नहीं है, मैंने यहाँ पे बनता है मुझसे, तो मैंने ये आपको निकाल के बताया कि जो एनालिसिस होता है उसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, दूसरा टाइम सीरीज एनालिसिस। एनालिसिस मतलब किसी भी कंपनी के डेटा को एनालाइज करना कि वो पहले कितना था और अब कितना हो गया। क्रॉस सेक्शनल में हम क्या करेंगे कि ये हमारी कंपनी है और ये किसी दूसरे की कंपनी है, ए और बी, इधर पे कंपनियां क्या रहती हैं, अलग रहती हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे कि हमारा प्रॉफिट, हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना है और जो अदर कंपनी है, जो बी वाली कंपनी है, उसका प्रॉफिट कितना है। तो हमारा प्रॉफिट है मान लीजिए 25 लाख और उस कंपनी का है 35 लाख, तो ये क्या आ जाए, हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। अब टाइम सीरीज, टाइम सीरीज में क्या होता है, कंपनी एक ही रहती है, मतलब अगर हमारी कंपनी है तो हमारी ही रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट दोनों का डेटा देखेंगे। मतलब पास्ट में हमारी इनकम कितनी थी, मान लीजिए 5 लाख थी, ये 25 लाख ही ले लीजिए, हमारी पास्ट में इनकम थी 25 लाख लेकिन प्रेजेंट में हो गई 30 लाख। तो इसको क्या कहेंगे, टाइम सीरीज, मतलब हमने अपनी कंपनी की जो प्रॉफिट्स है उसको कैसे एनालाइज किया और हमारी कितना प्रॉफिट बढ़ा, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस। और अगर हमारी कंपनी और किसी दूसरे ही कंपनी में एनालिसिस करेंगे प्रॉफिट का, तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। बस यही दो चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए और आपका चैप्टर हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे और कोई मेजर चीज़ें नहीं दी हुई हैं। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ये वो फॉर्म्स पढ़े हमने, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो हमने क्या पढ़े, फॉर्म्स। ये क्या है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो इसका चार्ट आपकी बुक में बना हुआ है, इसलिए मैंने नहीं बनाया है, ये देखिए पूरा का पूरा चार्ट आपकी बुक में ही बना हुआ है। इतना ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अभी क्लास 12th में, इतना पढ़ेंगे तो पक्का जो आगे की चीज़ें हैं वो जरूर भूल जाएंगे। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि आप ये जब चैप्टर करिएगा ना दोनों, तो बिल्कुल लास्ट में करिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जब हमें किसी भी कंपनी का प्रॉफिट निकालना हो, ये बात तो सही है कि भैया हमें, अब हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, तो हम उसमें ये देखेंगे ना कि हमारे पास कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, जिसको निकालने के लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का यूज़ करना पड़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे दो प्रकार के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, एक सेल्स पे बेस्ड होते हैं और एक इन्वेस्टमेंट में। तो सेल के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और एक्सप्रेस रेशियो। इन सब के बारे में हम डीप पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम सब शॉर्ट पढ़ रहे हैं। इसी में अगर देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, अर्निंग पर शेयर,
तो ये चीज़ें क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जब हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब आता है एक्टिविटी रेशो, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो मतलब ये कि हमने हमारा जो पैसा है वो रिटर्न हमारे पास कितनी देर में आता है या कब आता है। जैसे हमने किसी से कुछ सामान खरीदा, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको पैसे दिए, तो वो पैसे अब हमारे पास कितने टाइम में आते हैं, कितना टाइम लगता है, उसको हम क्या कहेंगे, टर्नओवर रेशो या एक्टिविटी रेशो। वो एक्टिविटी कितनी देर में हुई वो निकालने के लिए हम एक्टिविटी रेशो का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक्टिविटी रेशो के इतने सारे रेशोस दिए हुए हैं। इसी के साथ आता है लिक्विडिटी रेशो, मतलब जब हमें अपनी कंपनी की शॉर्ट टर्म रेशो निकालनी होती है, मतलब एक ही साल की निकालनी है या 6 महीने की निकालनी है, तो हम लिक्विडिटी रेशो का यूज़ करते हैं। लिक्विडिटी रेशो में हमें करेंट लिक्विडिटी और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, इनमें से आपका दो इम्पॉर्टेंट है, करेंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो। इन दोनों की थ्योरी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद सॉल्वेंसी रेशो, जब हमें अपनी कंपनी की लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत लंबे समय तक की निकालनी हो, जैसे 5 साल है, 10 साल है, तब हम सॉल्वेंसी रेशो का यूज़ करते हैं। सॉल्वेंसी रेशो में ये चार चीज़ें आती हैं। तो आई होप कि आप ये टेबल अच्छे से समझ गए होंगे, पूरा चैप्टर सिर्फ इसी पर बेस्ड है। हाँ, तो मैंने कहा था इसमें 63+ रेशो वो हैं फॉर्मूलेज, तो आप देख सकते हैं। देखिए एक ही पेज पे 1, 2, 3, 4, 5, ये देख लीजिए 5 यहाँ पे फॉर्मूले हैं। टर्न करेंगे फिर एक नया, और आप जैसे ही एग्जांपल, एक भी एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको हर एक एग्जांपल पे नया फॉर्मूला मिलेगा ही। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर पे, आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका करेंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।